हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो मेरे कमीशन आर्टवर्क्स होते हैं मैं उनको पैक कैसे करता हूं और डिलीवर कैसे करता हूं। तो आज की वीडियो में कोई ड्राइंग वगैरह या कोई आर्टवर्क नहीं होने वाला है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि आप कैसे पैक करते हो और कैसे डिलीवर करते हो, तो इस वीडियो में मैं पूरा वही बताऊँगा सब कुछ, कि पैकिंग से लेकर डिलीवरी तक की पूरी प्रोसेस बताऊँगा। तो अब सीधा मैं करता हूँ, एक कमीशन आर्टवर्क आया हुआ था मेरे पास, उसको मैं पैक करता हूँ और फिर डिलीवर करने चलते हैं। तो यार ये हमारा स्केच, और इसको पैक करने के लिए मुझे चाहिएगा एक एनवलप। जो स्केच है वो मैं एनवलप के अंदर डालूंगा, और जो ये दो कार्डबोर्ड हैं ये पैक करने के बाद ऊपर और नीचे लगाने के लिए सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो कोरियर है उसका पहुंचना एकदम सेफली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जो पेपर है या स्केच है वो थोड़ा बहुत भी फट ना जाए। तो जो स्केच है वो मैंने एनवलप के अंदर डाल दिया, और उसके ऊपर से मैं एक पेपर और लगाऊंगा ताकि जो हमारा ग्रेफाइट है वो एनवलप के ऊपर ना लगे और डैमेज ना हो स्केच। तो इस वजह से एक पेपर और लगाया मैंने सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि स्केच का पहुंचना बहुत ज़रूरी है एकदम सेफली। तो अब उसके ऊपर मैं एक थैंक यू का स्टिकर लगा दूंगा ताकि थोड़ा डेकोरेटिव लगे और एक सील भी बन जाएगी। तो अब जो दोनों कार्डबोर्ड है वो मैं एनवलप के ऊपर और नीचे अच्छे से पैक कर दूंगा, टेपिंग कर दूंगा उसके चारों तरफ, ताकि जो सेफ्टी है वो अच्छे से हो पाए स्केच की। तो अब पूरा कोरियर पैक होने के बाद मैं उसके ऊपर एड्रेस पेस्ट कर दूंगा, और एड्रेस को मैंने ब्लर कर दिया है प्राइवेसी रीजंस के लिए, और प्रिंट आउट करवा के एकदम एड्रेस पेस्ट किया मैंने, और उसके ऊपर से मैं टेप लगा दूंगा। अगर कुछ बारिश वगैरह या कुछ ऐसा सीन हो तो जो एड्रेस है वो भीगे ना और जो कोरियर है वो अपनी जगह पर एकदम सेफली पहुँच पाए। और यहाँ पर मैं एक और थैंक यू का स्टिकर पेस्ट कर रहा हूँ, और अब जो कोरियर है वो पूरा पैक हो चुका है सेफली। मैं मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ और जा रहा हूँ अभी जो कोरियर है उसको पोस्ट करने जा रहा हूँ। तो अभी सीधा पोस्ट ऑफिस में जाके ही आपको बताऊँगा कैसे मैं कोरियर करता हूँ और क्या चार्जेस वगैरह लगते हैं, वो सब कुछ बताऊँगा मैं। तो अभी सीधा पोस्ट ऑफिस में मिलता हूँ मैं सभी से। जो फाइनली जो है मैं पोस्ट ऑफिस में पहुँच चुका हूँ, अब यहाँ पर पोस्ट करते हैं आर्टवर्क को। सर फाइनली जो कोरियर है वो मैं पोस्ट करके आ चुका हूँ। और कोरियर का क्या सीन होता है कि उसका जो चार्जेज होता है ना वो उसके वेट के हिसाब से लगता है, कि आपके कोरियर में कितना वेट है तो उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं। और थोड़ा बहुत जगह का भी होता है कि आपका कोरियर कितना दूर जाना है कितना पास जाना है, तो उस हिसाब से गुड़गांव अगर जाना है तो 50 रुपीज़ लगते हैं। मेरे लगे 51 रुपीज़ लगे हैं गुड़गांव तक के। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि मैं जो कोरियर है वो कैसे पैक करता हूँ, डिलीवर कैसे करता हूँ। कोरियर का सेफ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि मैं कैसे पैक करता हूँ और कैसे डिलीवर करता हूँ। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ एक नई वीडियो में, एक नई किसी आर्ट कॉन्सेप्ट के साथ।